हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास थर्ड का हिंदी का पार्ट पाँच, जन्मदिन का उपहार। यह है कहानी एक, इसका यह शीर्षक है। इस कहानी में बताया गया है कि हम सभी को जन्मदिन पर कुछ न कुछ उपहार अवश्य मिलते हैं। अगर यह उपहार हमारी पसंद का हो तब क्या कहना। इस पाठ में जन्मदिन के उपहार के बारे में बताया गया है और साथ ही ये भी बताया गया है कि अगर वह उपहार हमारी पसंद का हो तो हम बहुत खुश और बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। पहले कहानी में एक वर्ग पहेली दी गई है। लिखा है, संकेतों की सहायता से वर्ग पहेली हल करो और दिए गए खाली चित्रों में रंग भरो। ठीक, यहाँ कुछ चित्र दिए हुए हैं उस और वर्ग पहेली दी हुई है, उसे आपको कंप्लीट करना है। तो जहाँ आपको जो अक्षर लिखना है वो मैं बता रही हूँ। यहाँ आप लिखेंगे ता, आधा त, पूरा त, या फिर त पे लाइन ड्रॉ करके ऐसे जो लिखते हैं वो। यहाँ र लिखेंगे, यहाँ ला लिखेंगे, यहाँ ल लिखेंगे, यहाँ ह, क और यहाँ ना। इस तरह से ये अक्षर आप लिख लेंगे और लिखने के बाद पढ़ेंगे क्या, यहाँ दोनों को मिला के पढ़ेंगे कुत्ता, यहाँ कुर्ता, ताला, लालच, चहकना और यहाँ नाना। इस तरह से ये वर्ग पहेली हल हो जाएगी। आपको चित्र भी दिया हुआ है, आप लोग देख रहे हैं, आपने कुत्ता लिखा है उसका चित्र है, कुर्ता है, ताला है, चहकने मतलब चिड़िया की आवाज़ है, चहकना, नाना, सबका चित्र दिया हुआ है। तो आगे देखिए कहानी शुरू करते हैं। विपुल की आँखों से टप टप करते टपकते आंसू थम ही नहीं रहे थे। आज उसका प्यारा कुत्ता सेंकी जो खो गया था यानी गुम हो गया था। झबरीले यानी रोए वाले बालों वाला छोटा सा प्यारा सा सफ़ेद सेंकी विपुल उसे भूलता ही नहीं था। जो विपुल है, विपुल नाम का एक लड़का है, उसकी आंखों से टप टप आंसू बह रहे हैं और आंसू उसके रुक नहीं रहे हैं, वो लगातार रोए जा रहा है। क्यों रोए जा रहा है? क्योंकि आज उसका जो एक प्यारा सा कुत्ता सेंकी था वो खो गया है, गुम हो गया है। और सेंकी कैसा था? झबरीले, छोटे छोटे रोए वाला बालों वाला प्यारा सा छोटा सा कुत्ता था, सफ़ेद कलर का। सेंकी उसका नाम था। विपुल उसे भूलता ही नहीं था। विपुल को बहुत याद आ रही थी सेंकी की, इसलिए वो लगातार रोए जा रहा था। आगे देखिए, वह उसे बार बार याद आ जाता था। ये लाइन हम पढ़ रहे हैं, वह उसे बार बार याद आ जाता है। कभी उसकी गेंद उठाकर लाता था तो कभी उसके बिस्तर में लेट जाता था। जब वह बाहर से आता था तब सेंकी पूछ हिलाते हुए उसकी गोद में चढ़ जाता था। विपुल को याद ही नहीं कि उसने कभी सेंकी के बिना खाना खाया हो। तो विपुल को बार बार सेंकी की याद आ रही थी, उसे बार बार याद आ रहा था कि कभी उसके वह उसकी गेंद उठा के लाता था तो कभी सेंकी उसके बिस्तर में लेट जाता था। जब विपुल कहीं बाहर जाता था और फिर वापस घर आता था तो सेंकी पूछ हिलाते हुए उसके गोद में चढ़ जाता था। विपुल हमेशा सेंकी के साथ ही खाना खाया करता था। आगे देखिए, दादा दादी, चाचा चाची, मम्मी पापा, भैया दीदी, किसी से भी विपुल की उदासी देखी नहीं जा रही थी। सबने अपने अपने तरीके से उसे हंसाने की कोशिश की पर सभी असफल हो गए। इसी तरह पूरा महीना बीत गया। तो दादा दादी, चाचा चाची, मम्मी पापा, भैया दीदी, सभी को विपुल की उदासी देखी नहीं जा रही थी। विपुल को उदास देख के सब परेशान हो रहे थे और सबने अपने अपने तरीके से विपुल को हंसाने की कोशिश की, खुश रखने की कोशिश की, पर कोई भी सफल इस बात पे नहीं हो सका। यानी विपुल को खुश रखने में, उसको हंसाने में कोई भी सफल नहीं हो पाया। इस तरह से पूरा महीना बीत गया। आगे देखिए, आज विपुल का 7वां जन्मदिन है। सबने विपुल के जन्मदिन के दावत का अर्थ होता है पार्टी की खूब तैयारियां की है। विपुल के सभी मित्रों यानी दोस्तों को भी निमंत्रण यानी बुलावा
दिया गया। जब सब आ गए तो माँ एक हाथ में विपुल का मनपसंद चॉकलेट केक तथा दूसरे हाथ में विपुल का हाथ पकड़े हुए कमरे में आई। विपुल उदास सा केक काटने के लिए खड़ा हुआ, पर यह क्या? अचानक सब विपुल से जिद करने लगे, जिद यानी हट करने लगे कि वह केक काटने से पहले उनका उपहार का अर्थ होता है गिफ्ट, खोल कर देखे। विपुल ने सबसे पहले दादाजी के उपहार की टोकरी खोली। अरे, इसमें तो सेंकी जैसा ही एक कुत्ता था। विपुल का चेहरा खुशी से चमक उठा। तो विपुल के जन्मदिन, विपुल का 7वां जन्मदिन है, एक महीना बीत जाता है, फिर विपुल का जन्मदिन आ जाता है, 7वां जन्मदिन रहता है विपुल का। सब विपुल के जन्मदिन की दावत यानी पार्टी की खूब तैयारियां करते हैं। उसके मम्मी पापा, चाचा चाची और उसके भाई बहन सब तैयारियां करते हैं। विपुल के सभी दोस्तों को भी निमंत्रण दिया जाता है, बुलावा दिया जाता है कि पार्टी में सारे बच्चे आएंगे। जब सब आ गए तो माँ जो रहती है विपुल की, उसका हाथ पकड़कर उसका मनपसंद चॉकलेट केक लेती है और दूसरे हाथ से विपुल का हाथ पकड़ के कमरे में आती है। विपुल का मन बिल्कुल ही भी केक काटने का नहीं है, वो बहुत उदास खड़ा रहता है। पर अचानक सब लोग विपुल से जिद करने लगते हैं, सब लोग हट करने लगते हैं कि केक काटने से पहले जो सब लोग गिफ्ट लाए हैं उसको खोल के देखना है विपुल को। विपुल ने सबसे पहले दादाजी के उपहार की टोकरी खोली। तो विपुल क्या करता है, सबसे पहले जो उसके दादाजी जो उसको गिफ्ट दिए रहते हैं वो उसकी टोकरी वो खोलता है। और जैसे ही वो टोकरी खोलता है तो उसमें उसे क्या मिलता है, सेंकी जैसा कुत्ता। जैसे सेंकी था सेम वैसा ही कुत्ता उसे उस टोकरी से मिलता है। और जब वो सेंकी जैसा कुत्ता देखता है विपुल, तो उसके चेहरा खुशी से चमक उठता है, यानी वो बहुत खुश हो जाता है। उसके बाद उसने दादी माँ का उपहार खोलकर देखा। अरे वाह, उसमें से भी वैसा ही एक और कुत्ता निकला। इस तरह विपुल ने जितने भी उपहार खोले उसे सब में एक एक कुत्ता मिला। विपुल प्रसन्न तो था पर हैरान भी। प्रसन्न यानी खुश होता है। उसके पास अब 15 कुत्ते थे। साथ ही इतने कुत्तों को देखकर विपुल की माँ की भी चिंता बढ़ गई। वे सोच रही थी कि इतने सारे कुत्ते पूरे घर को गंदा कर देंगे, उन्हें पालना कितना कठिन हो जाएगा, उनकी देखभाल कैसे होगी। विपुल ने दादाजी का उपहार खोला तो उसमें उसे सेंकी जैसा कुत्ता मिलता है। उसके बाद उसने अपनी दादी माँ का भी उपहार खोला। जब वो उपहार खोलता है तो उसमें भी उसको एक कुत्ता भी ही मिलता है, वैसा ही कुत्ता। इस तरह विपुल ने जितने भी उपहार खोले यानी जितना भी तोहफा, जितना भी गिफ्ट विपुल को मिला था, सब में उसे एक एक कुत्ता मिलता है। विपुल बहुत खुश होता है उन कुत्तों को देख के, पर इतने कुत्ते देख के वो हैरान भी होता है। उसे सबसे में से एक एक कुत्ता मिला था। उसके पास पूरे कितने कुत्ते हो गए थे, 15 कुत्ते हो गए थे। साथ ही इतने कुत्तों को देखकर जो विपुल की माँ थी वो परेशान हो जाती है, उनकी चिंता बढ़ जाती है। वो अपने मन में सोच रही है कि वो इतने सारे कुत्ते हैं वो तो पूरा घर ही गंदा कर देंगे और उनको पालना कितना कठिन होगा, इन कुत्तों को मैं कैसे पालूंगी, उनकी देखभाल कैसे होगी। ये सारी बात की चिंता विपुल की माँ को होने लगी। पर इन सबसे बेखबर विपुल बारी बारी से सब कुत्तों पर खुशी से हाथ फेर रहा था। लेकिन इन सबसे बेखबर माँ की चिंता से अनजान विपुल बहुत खुश होकर सारे कुत्तों पर खुशी से हाथ फेर रहा था और बहुत खुश हो गया था। दादाजी ने पूछा, इतने सारे कुत्तों का क्या करोगे विपुल? अब दादाजी ने विपुल से पूछा कि इतने सारे कुत्तों का क्या करोगे विपुल? दादाजी, अब तो मुझे न केवल मेरा सेंकी मिल गया बल्कि मैं अपने दोस्तों को भी एक एक कुत्ता दे पाऊँगा। अपनी वर्षगांठ यानी जन्मदिन पर अपनी ओर से अपने दोस्तों के लिए यही मेरा वापसी का उपहार है, विपुल ने चहकते हुए कहा। विपुल की बात सुन कोई भी हंसे बिना न रह सका। तो ये हमारी कहानी थी। तो देखिए, जब
माँ को चिंता हो रही थी कुत्तों की देखभाल करने की, घर गंदा करने की। तो विपुल इस चिंता से बेखबर सारे कुत्तों पे खुशी से हाथ फेर रहा था। तभी उसके दादाजी ने उससे पूछा कि इतने सारे कुत्तों का क्या करोगे? तो विपुल ने कहा कि दादाजी, अब मुझे न केवल मेरा सैंकी मिल गया है, बल्कि मैं अपने दोस्तों को भी एक एक कुत्ता दे पाऊंगा। अपने जन्मदिन पे अपनी ओर से अपने दोस्तों के लिए यही मेरा वापसी का उपहार है, यानी यही मेरे वापसी का उपहार है, यही तोहफा मैं अपने दोस्तों को वापसी के उपहार के रूप में दूंगा, विपुल ने चहकते बहुत खुशी से कहा। और विपुल की यह बात सुनकर सब लोग हंसने लगे। तो देखिए इस तरह से, ये देख रहे हैं आप, बर्थडे पार्टी है, जन्मदिन मनाया जा रहा है, विपुल ये रहा। और नीचे देखिए चित्र में ढेर सारे सैंकी जैसे कुत्ते, और विपुल कितना खुश होके अपने एक-एक गिफ्ट को खोलते हुए, सब लोग हंस रहे हैं और सब में सैंकी जैसे कुत्ते हैं। तो इस तरह से ये रहा हमारा कहानी जन्मदिन का उपहार। तो चलिए अब इसका पुस्तक अभ्यास पूर्ण करते हैं। पहले है शब्दार्थ, तो एक-एक शब्दार्थ को देख लेते हैं। जबरीले, जबरीले यानी, जबरीले शब्द का अर्थ होता है रोए वाला। असफल, असफल का अर्थ होता है सफल न होना। दावत, दावत का अर्थ होता है पार्टी। मित्र, मित्र का अर्थ होता है दोस्त। निमंत्रण का अर्थ होता है न्योता या बुलावा। उपहार, उपहार का अर्थ होता है तोहफा। वर्षगांठ का अर्थ होता है जन्मदिन। अनुमान का अर्थ है अंदाजा। इजाजत का अर्थ है अनुमति। इस तरह से आप ये शब्दार्थ पूर्ण कर लेंगे अपने नोटबुक में। उसके बाद है श्रुतलेख, सुनकर लिखना है आपको, सुनकर बिना देखे आपको ये जो शब्द दिए हुए हैं श्रुतलेख में, उनको आपको अपने रफ नोटबुक में लिखना है श्रुतलेख। आगे देखिए हेडिंग है पाठ को समझे, और पाठ को समझे के अंतर्गत है सही उत्तर पे, सही उत्तर चुनकर टिक लगाओ। टिक द करेक्ट ऑप्शन है, सही उत्तर पे टिक लगाना है हमें। उसके अंतर्गत पहला प्रश्न देखिए, क विपुल कितने वर्ष का हो जाएगा? तो विपुल कितने वर्ष का हो जाएगा, विकल्प में है 8, 9, 7। तो विपुल कितने वर्ष का हो जाएगा, 7 वर्ष का, तो 7 पे हम टिक लगा देंगे। दूसरा देखिए, विपुल को क्या चाहिए था, खरगोश, बिल्ली या कुत्ता? तो विपुल को क्या चाहिए था, कुत्ता, कुत्ते पे टिक लगा देंगे। माँ ने विपुल के लिए क्या बनाया, माँ ने विपुल के लिए क्या बनाया? ऑप्शन है चॉकलेट केक, चाउमिन या फ्रूट केक। तो माँ ने विपुल के लिए चॉकलेट केक बनाया। इस तरह से प्रश्न पूरा हो जाएगा। अब देखिए अब हम प्रश्न उत्तर करेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहले है मौखिक, मौखिक प्रश्न उत्तर को भी हमें नोटबुक में लिखना है, और लिखित प्रश्न उत्तर को भी हमें अपने नोटबुक में लिखना है। तो ये आपको इस वीडियो के साथ जो PDF अटैच होगी, उसमें आपको नोटबुक, PDF में नोटबुक का वर्क मिल जाएगा। तो चलिए पहला प्रश्न सॉल्व करते हैं, मौखिक का पहला। विपुल क्यों रो रहा था, तो क्या कारण था कि विपुल रो रहा था? चलिए देखते हैं विपुल क्यों रो रहा था। विपुल इसलिए रो रहा था क्योंकि उसका कुत्ता सैंकी खो गया था, क्योंकि उसका प्यारा सा जो कुत्ता था सैंकी वो खो गया था, इसलिए विपुल रो रहा था। प्रश्न संख्या ख, विपुल को जन्मदिन पे सबसे क्या उपहार मिला? तो अभी मैं आपको मौखिक रूप से बता रही हूँ, लिखित रूप से आपको नोटबुक में लिखा मिलेगा। विपुल को जन्मदिन पे सबसे क्या उपहार मिला? तो विपुल को जन्मदिन पे सभी से सैंकी जैसे कुत्ते उपहार में मिले। प्रश्न संख्या ग, विपुल के पास कुल कितने कुत्ते हो गए? तो विपुल के पास कुल कितने कुत्ते हो गए, 15 कुत्ते हो गए। इस तरह से ये मौखिक प्रश्न उत्तर हल हो जाएगा। अब लिखित देखिए,
लिखित का पहला, विपुल को सैंकी की कौन सी बातें याद आ रही थी? तो विपुल को सैंकी की कौन सी बातें याद आ रही थी? तो उत्तर यहाँ लिखा हुआ है, विपुल को सैंकी की गेंद उठाकर लाना, उनके बिस्तर में लेट जाना, पूछ हिलाते हुए गोद में चढ़ जाने जैसी बातें याद आ रही थी। तो विपुल को सैंकी का गेंद उठाकर लाना, उसके बिस्तर में चढ़ जाना और उन्हें पूछ हिलाते हुए गोद पे चढ़ जाना, ऐसी बातें याद आ रही थी। पूछ हिलाते हुए गोद में चढ़ जाने जैसी बातें याद आ रही थी। दूसरा देखिए, ख, विपुल की मम्मी को क्या चिंता हो गई? जो विपुल की मम्मी है उनको क्या चिंता हो गई? तो विपुल की मम्मी को चिंता हो गई कि इतने सारे कुत्ते पूरे घर को गंदा करेंगे, उन्हें पालना कठिन होगा और उनकी देखभाल भी बहुत मुश्किल होगी। यानी विपुल की मम्मी को सारे कुत्तों द्वारा घर गंदा करने की, उन्हें पालने की व उनकी देखभाल करने की चिंता हो गई। आगे देखिए, प्रश्न संख्या ग, इतने सारे कुत्तों का क्या करोगे विपुल? अब ये प्रश्न है किसने पूछा? तो ये दादाजी ने पूछा, यहाँ है आंसर, दादाजी ने पूछा। ये दूसरा है, विपुल ने क्या उत्तर दिया? तो विपुल ने उत्तर दिया कि वह इन्हें अपने मित्रों को अपनी वर्षगांठ पर वापसी के उपहार के रूप में देगा, अपनी वापसी के उपहार के रूप में देगा, अपने वर्षगांठ पर वापसी के उपहार के रूप में देगा, ये है उत्तर। इसके बाद देखिए, प्रश्न संख्या घ, हमें पालतू पशुओं के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? तो हमें पालतू पशुओं के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? तो हमें पालतू पशुओं के साथ, उत्तर ये रहा, हमें पालतू पशुओं के साथ विनम्रता का व्यवहार करना चाहिए, हमें पालतू पशुओं के साथ विनम्रता का व्यवहार करना चाहिए, या हमें पालतू पशुओं के साथ प्रेमपूर्वक करुणापूर्ण व्यवहार करना चाहिए, उनकी साफ सफाई, चिकित्सा, खान पान आदि को सुव्यवस्था या सुनिश्चित करनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हमें उनके खान पान, चिकित्सा, इन सब चीज़ की व्यवस्था सही से करनी चाहिए। तो ये हो गया हमारा प्रश्न उत्तर, हल हो गया। आपको नोटबुक में प्रश्न उत्तर लिखित और मौखिक दोनों कर लेना है। अगर यहाँ जगह नहीं है, यहाँ आप बुक में डन इन नोटबुक लिख सकते हैं, लेकिन नोटबुक में, बुक में आप डन इन नोटबुक लिख सकते हैं, लेकिन नोटबुक में जब पूरा हो जाए तभी आप बुक में डन इन नोटबुक लिखेंगे, क्योंकि प्रश्न बड़े बड़े हैं, जगह कम है, तो उत्तर के लिए जगह कम दी हुई है, तो अगर आप सही से लिख ना पाएँ तब इसके आपके लिए ये विकल्प है। आगे देखिए, तीसरा देखिए, प्रश्न संख्या, सही घटनाक्रम क्रम के आधार पर वाक्यों के क्रमांक लिखिए। सही घटनाक्रम यानी कौन सी घटना पहले हुई है, कौन सी घटना बाद में हुई है, उसके आधार पर हमें क्रमांक देने हैं। यहाँ क्रमांक देने हैं, यह बॉक्स बना। तो चलिए पहले रीड करते हैं। पहला देखिए, विपुल की बात सुनकर कोई भी हंसे बिना नहीं रह सका, उसमें हम 5 लिखेंगे। दूसरा, उसके बाद उसने दादी माँ का उपहार खोला, उस बॉक्स में हम 3 लिखेंगे। ग प्रश्न, उसके बाद आप उसके पास अब कुल 15 कुत्ते थे, इस बॉक्स में हम 4 लिखेंगे। घ, आज विपुल का 7वां जन्मदिन है, इसमें हम 1 लिखेंगे। और आखिरी में अंग वाले में लिखेंगे, विपुल ने सबसे पहले दादाजी के उपहार की टोकरी खोली, उसके बॉक्स में हम 2 लिखेंगे। तो पहले में पाँच, दूसरे में 3, तीसरे में 4, चौथे में 1 और पांचवे में 2, इस तरह से हम क्रमांक लिख देंगे। यानी पहले घटना हुई थी, विपुल का 7वां जन्मदिन था, दूसरा घटना हुआ विपुल ने सबसे पहले दादाजी का उपहार खोला, तीसरे घटना में उसके बाद उसने दादाजी का उपहार खोला, उसके बाद अब उसके पास 15 कुत्ते थे, और लास्ट है, विपुल की बात सुनकर कोई भी हंसे बिना न रह सका। तो ये प्रश्न हल हो गया। आगे देखिए, हेडिंग है भाषा को समझे। भाषा को समझे के अंतर्गत है पहला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देते हुए विशेषण लिखो। भाषा को समझे,
भाषा को समझे के अंतर्गत पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देते हुए विशेषण शब्द लिखो। अब ये बॉक्स में कुछ आपको जानकारी दी गई है, इसको देखिए। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं ऐसे शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। ये आपका व्याकरण से संबंधित भाग है, तो चलिए पहला देखते हैं। पहला है चॉकलेट कैसी है, तो यहाँ आपको उत्तर में लिखा है मीठी। ये चॉकलेट की विशेषता है कि चॉकलेट कैसी है, मीठी है। दूसरा देखिए, कुत्ते का रंग कैसा है, तो यहाँ हमने लिखा सफ़ेद, तो ये कुत्ते के रंग की विशेषता है या कुत्ते की विशेषता है। उसके बाद देखिए, विपुल के पास कुल कितने कुत्ते हो गए, तो हमने लिखा 15। तो ये कुत्तों, विपुल के पास जितने कुत्ते हैं उनके बारे में बताया गया है कि कितने कुत्ते हैं, तो 15 कुत्ते हैं। उसके बाद देखिए, घ कुत्ते के बाल कैसे थे, तो लिखेंगे झबरीले थे। कुत्ते के बाल कैसे थे, झबरीले थे। तो इस तरह से हम ये प्रश्न हल कर लेंगे। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 2, प्रत्येक विशेषण शब्द पे टिक लगाओ। कुछ शब्द दिए हुए हैं बॉक्स में, उसमें कुछ जो विशेषण शब्द है उस पर टिक लगाना है। तो पहले देखते हैं, एक तरफ दिया है मीठा, जन्मदिन और घर, तो हम मीठे पे टिक लगाएंगे, ये विशेषण है। दूसरे लाइन में देखिए, विपुल, सुंदर, मम्मी, तो सुंदर ये शब्द विशेषण है, उस पर हम ऐसे टिक लगाएंगे। तीसरे रो में देखिए, खिलौना, दादी, चमकीला, तो चमकीला जो है वो विशेषण है, उस पर टिक लगा देंगे। तो इस प्रकार 3 पे टिक लगाएंगे, पहले में मीठा और दूसरे लाइन में सुंदर और तीसरे लाइन में चमकीला। तो इस तरह से ये भी प्रश्न हल हो जाएगा। आगे देखिए, प्रश्न संख्या 3, उचित मिलान करके वाक्य बनाओ। उचित मिलान करके वाक्य बनाना है। पहला आपको समझाया गया है, देखिए, अगले महीने विपुल का, फिर इसके साथ जन्मदिन है, इस तरह से पहला मैचिंग करके दिखाया गया है, तो इसी आधार पर हमें मैचिंग करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। दूसरा, विपुल के पास सेंकी नाम का कुत्ता था, उसके साथ ऐसे मैचिंग मिला लेंगे। उसके बाद देखिए, विपुल का चेहरा खुशी से चमक उठा, इसके साथ मैचिंग ये वाला देखिए, माँ ने विपुल के लिए चॉकलेट केक बनाया, तो इस तरह से ये मैचिंग कंप्लीट कर लेंगे, हो जाएगा। प्रश्न आगे देखिए, कल्पना के पंख, हेडिंग है कल्पना के पंख, उसके अंतर्गत देखिए, जो उपहार आप अपने जन्मदिन पे लेना चाहते हैं उसका नाम लिखो व कारण भी बताओ। ये आपके लिए है कि आप अपने जन्मदिन पे क्या उपहार लेना चाहते हैं और क्यों लेना चाहते हैं, उसका क्या कारण है लेने का, तो ये आपको बताना है। लेकिन मैंने कुछ लिखा है, इसी आधार पे आप भी लिख लेंगे। जैसे मैंने लिखा है कि जन्मदिन पे साइकिल चाहिए, क्योंकि कारण भी बताया है, क्योंकि इससे मैं आसानी से कहीं भी आ जा सकता हूँ, वह इसको चलाने से एक अच्छा व्यायाम भी होता है, वह यह प्रदूषण मुक्त भी है। तो ये मैंने साइकिल अपने जन्मदिन पे लेना चाहने की बात कही है। क्यों लेना चाहता हूँ या क्यों लेना चाहती हूँ, क्योंकि यह आसानी से कहीं भी जा सकती है, इसे हम आ जा सकते हैं आसानी से, और ये एक अच्छा व्यायाम है इसको चलाना, और ये प्रदूषण मुक्त भी है। तो इस तरह से आप भी कोई भी क्यों, कौन सा उपहार लेना चाहते हैं और उसका कारण क्या है, ये दोनों लिखेंगे। आगे देखिए, रचनात्मक कार्य, ये भी आपके लिए है। अपने जन्मदिन की आहार तालिका तैयार करो, यानी आहार तालिका यानी आप क्या खाना चाहते हैं अपने जन्मदिन पे, उसकी आहार तालिका तैयार करना है। जैसे नाश्ते में क्या खाएंगे, भोजन में क्या खाएंगे और पेय पदार्थ में क्या पिएंगे, पीने वाली चीज़ों में आप क्या लेना पसंद करेंगे। तो यहाँ मैंने कुछ लिखा हुआ है, तो आप अपने हिसाब से लिखेंगे, अपनी पसंद का लिखेंगे। जैसे मैंने नाश्ते में यहाँ लिख दिया है चाट, गोलगप्पे, पास्ता, और भोजन में पनीर की सब्ज़ी, नान, रोटी, दाल, चावल। पेय पदार्थ में देखिए, कोल्ड ड्रिंक, मैंगो शेक और मिल्क शेक। इस तरह से आप भी
लिख लेंगे। कोई भी आपको जो पसंद हो, नाश्ते में क्या आप जन्मदिन पे आप खाते हो, भोजन में क्या खाते हो, और पीने वाली चीज़ों में आप पार्टी में अपने क्या खाते हो जन्मदिन की पार्टी में, वो सारी चीज़ें अपनी पसंद की आपको लिखनी है। आगे देखिए जीवन कौशल। अगर आपके पालतू पशु जीवन कौशल ये प्रश्न है, उसके अंतर्गत देखिए, अगर आपके पालतू पशु को चोट लग जाए तो आप क्या करेंगे? सही उत्तर पे टिक लगाओ। अगर आपके पास कोई पालतू पशु है और उसे चोट लग जाएगी तो आप क्या करेंगे? और आपको जो सही उत्तर लगता है उस पे हमें टिक लगाना है। तो पहला देखिए, उसका घाव साफ करके मरहम पट्टी करेंगे, बिल्कुल सही। दूसरा है, उसे खुश करने के लिए घुमाने ले जाएंगे, घुमाने से उसकी चोट नहीं ठीक होगी इसलिए हम यहाँ क्रॉस लगाएंगे। तीसरा है, उसे ताज़ा भोजन और स्वच्छ पानी देंगे, ये भी सही है ताकि उसका शरीर मजबूत बने। घ, उसे पशुओं के डॉक्टर के पास ले जाएंगे, ये भी सही टिक लगाएंगे। तो पहले में सही, दूसरे में गलत, तीसरे में सही और चौथे में भी सही का निशान लगाएंगे। तो इस तरह से ये हमारा प्रश्न पूरा हो जाएगा। आगे देखिए प्रश्न संख्या 2। आइए अब हम भी अपने पालतू पशु की देखभाल की शपथ लें। एक शपथ पत्र है, तो आपके पास जो भी अपना यहाँ नाम लिखेंगे, गर्ल्स अपना नाम लिखेंगे, बॉयज़ अपना नाम लिखेंगे। मैं अपने पालतू, जो भी आपका पालतू पशु है, चाहे जो भी है, गाय है, खरगोश है, या फिर तोता है, कोई भी पालतू पशु या पक्षी हो उसका नाम यहाँ लिखेंगे। और ये सारी चीज़ें प्रार्थना पत्र है, ये सब आप पढ़ लेंगे एक बार। उसके बाद यहाँ नीचे अपने उस पालतू पशु का चित्र चिपकाएंगे, यहाँ अपना हस्ताक्षर करेंगे और यहाँ दिनांक डेट डालेंगे, यहाँ अपने पशु का नाम लिखेंगे। तो इस तरह से ये आपको अपने खुद से करना है और आप ये बुक में पूरा करेंगे, ये आपके लिए रचनात्मक कार्य है। तो इस तरह से हमारा कंप्लीट हुआ। एक और है तो वो देखते हैं, गणित से जुड़ा, उसको देखते हैं। तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, तो बोलो कुल कितने तीतर। एक पहेली है जो आपको हल करनी है, गणित गणित से जुड़ी हुई है। तीतर के दो आगे तीतर और तीतर के दो पीछे तीतर। तीतर है यानी एक पक्ष, तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो आगे भी तीतर है और एक तीतर के दो पीछे भी तीतर है, तो कुल कितने तीतर? तो कुल हो गए 3। तो हम यहाँ लिख देंगे 3। तो इस तरह से ये प्रश्न भी हल हो जाएगा। तो चलिए आज का, आज के लिए बस इतना ही। आपने पाठ भी पढ़ लिया है, जन्मदिन का उपहार, उससे संबंधित पुस्तक अभ्यास भी पूर्ण कर लिया है। तो याद रखिए, आपको शब्दार्थ और लिखित और मौखिक प्रश्न उत्तर नोटबुक में करना है, तो आपको उसको नोटबुक में कर लेना है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट।